अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की रेसिपी के लिए हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है और उसके अंदर सेवैयाँ डालनी है। आंच को हमने हल्का रखना है। सेवैयों को हमने हल्की आंच पर भूनना है। अगर हम आंच तेज़ कर देंगे तो ये जल जाएंगी, ज़्यादा नहीं, बस ये 2 से 3 मिनट में भूनी जाती हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर पानी डाल देना है। हाफ़ कप हमने इसके अंदर पानी डालना है। आँच को अभी भी हल्का ही रखना है। थोड़ी सी इलायची डालेंगे, चाहे तो इलायची को पीस के डाल लें वरना ऐसे ही डाल दें। बादामों को मैंने भिगो के रख दिया था, ये सॉफ्ट हो गई, इनका छिलका उतारना है और फिर इसको बारीक बारीक कट कर लेना है। जैसे ही सेवैयों का पानी खुश्क होगा इसके अंदर हम शक्कर डाल देंगे। मैं शक्कर थोड़ी सी डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, मुझे शक्कर ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं शक्कर ही ऐड करती हूँ। इसके अंदर हमने 3 मग दूध डाल देना है। बादामों को बारीक बारीक काट लेना है। अगर आपको खजूर भी पसंद है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। ज़्यादा खजूर नहीं डालनी वरना ज़्यादा ही मीठा हो जाएगा। हमने इसको कवर कर देना है और हल्की आंच पर पकने देना है। ये तकरीबन दूध बॉयल होने वाला है। जब दूध बिल्कुल बॉयल हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, फिर हम क्रश की हुई बादामें और खजूर डाल देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।